दुष्प्रेरण, ये कहता है किसी व्यक्ति का दुष्प्रेरण किसी वो किस बात सॉरी वो व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। फर्स्ट कहता है उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। कौन सी बात? उस बात को। कौन सी बात? उस बात कोई कार्य करना, कोई चीज एक्ट करना, तो उससे क्या करता है? उकसाता है, प्रभु करता है, वेट करता है उस बात को करने के लिए किसी को षड्यंत्र द्वारा। दूसरा कहता उस बात को करने के लिए, अब यहां उस बात करने के लिए यहां सुन रहा, फिर देखिए किसी व्यक्ति की जगह किसी षड्यंत्र से एक या अधिक अन्य व्यक्ति, क्या है? एक या अधिक अन्य व्यक्ति द्वारा साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसार उस अपराध करने के उद्देश्य से कार्य अवैध लोभ घटित हो जाए, ठीक, क्या हो जाए? कार्य लोभ अवैध रूप से घटित हो जाए। अथवा अब तीसरा कहता है कि उस बात को किए जाने के कार्य अवैध लोभ द्वारा शासन से सहायता पहुंचाता हूं। साधारणता दुष्प्रयोग का अर्थ होता है उसकाना या किसी व्यक्ति को दुष्प्रयोग कारक या अपराध करने की मदद करना या प्रोत्साहित करना। इस प्रकार दुष्प्रयोग के निम्न तरीके तीन प्रकार से किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाना, षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रयोग और सहायता द्वारा। किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाकर, यानी किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाकर, उकसाने शब्द अर्थ है कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य या लोप करने के लिए उत्प्रेरित करना, अर्थात उसके मस्तिष्क को अपने द्वारा कहे गए शब्दों को लिखित बातों द्वारा या किसी इशारे के माध्यम से ऐसे सक रूप से प्रकाशित करना कि वो उत्प्रेरित कार्य है अर्थात अपराध कारित करे। कोई कार्य दुष्प्रभाव की श्रेणी में तभी आ सकता है जब उसका गया कार्य अपराध हो। पहला स्पष्टीकरण है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर दुरुपदेशन द्वारा या तत्कोई तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए आबद्ध है जानबूझकर छिपाए नहीं द्वारा स्वेच्छा से किसी बात को किया जाना कारित या उपपत करता है अथवा कारित करने उपपत करने प्रयत्न करता है, उस बात को किया जाने को उकसाता है कहा जाता है। दृष्टांत है, का एक लोक सेवक ऑफिसर है, न्यायालय को वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। का उस तथ्य को जानते हुए कि गाय या नहीं है और का जानबूझ कर विवृत करता है कि गाय या है, तदद्वारा वह शासन से का गाँव को पकड़ पकड़ पकड़वाता है। यहाँ खान ने गाँव के पकड़ जाने को उसकाने का दुष्प्रयोग करता है। किसी व्यक्ति को पत्र द्वारा अपराध करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकाया जा सकता है। सलाह द्वारा भी दुष्प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते सलाह प्रत्यक्ष हो, जिससे व्यक्ति द्वारा दी गई हो वो अपराध करने के लिए आकर्षित हो। इसके अतिरिक्त मौन स्वीकृति भी दुष्प्रयोग की श्रेणी में आ सकते हैं यदि वो किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता हो। कोइन बनाम मोहित पांडे, एक केस है। कोइन बनाम मोहित पांडे के एक केस बहुत से 1871 में है, 3NWP 316। इस वाद में जब महिला सती होने के लिए शमशान घाट गई तो उसके पीछे उसके सौतेले पुत्र भी राम राम जपते हुए चीता के पास पहुंचे और ये अब निर्धारित किया कि अभ्युतगण जो उसके सौतेले पुत्र थे कुछ अन्य भी दुष्प्रेरण के लिए दायित्व, क्योंकि उन्होंने मौन स्वीकृति द्वारा सती होने के लिए उकसाया था। विधि उकसाने के लिए मात्र शब्दों को अपेक्षा नहीं करती है, वरना आचरण द्वारा भी उकसाने का दुष्प्रेरण कर सकती है। षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करने के लिए सहमत हो। क्या होता है? षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रयोग होता है। षड्यंत्र के माध्यम दुष्प्रयोग तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या होता है किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करवाने के लिए सहमत हो जाते हैं। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रयोग गठित करने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। पहले, क्या दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच षड्यंत्र? दूसरा, उस षड्यंत्र ने फलस्वरूप एक कार्य या अवैध लोभ से कारित हुआ हो। तीसरा कहता, ऐसा कार्य या अवैध रूप से षड्यंत्र की विषय वस्तु को पूर्ण करने में कारित हुआ हो। हरथन चक्रवर्ती बनाम भारत संघ 1990, इस वाद में 9 अभियुक्त को चोरी का दुष्प्रयोग के लिए अभियोजित किया गया, जिसमें 8 को उन्मुक्त कर दिया गया, अतः 1 को षड्यंत्र के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता है। सहायता द्वारा इस संदर्भ में अस्पष्टी का दो उल्लेखनीय है कि जो निम्न कोई जो कोई या तो कोई सी कार्य
किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य को किए जाने को शुक्र बनाने के लिए कोई बात करता है, तद्वार द्वारा उसके किए जाने के शुक्र बनाता है, उस कार्य को करने में सहायता करता है, ये कहा जाता है। सहायता द्वारा दुष्प्रेरक तीन प्रकार के होते हैं। सहायता द्वारा जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करके अपराध शास्त्र से सहायता पहुँचाता है तो कार्य करके सहायता द्वारा दुष्प्रेरक कहा जाता है। इम्प्रर बनाम उमी के केस में 1882 में जहाँ यह साबित होता है कि पूर्ण जीवन साथी जीवित है वहाँ ऐसे व्यक्ति को विवाह करना बहुविवाह की श्रेणी में आता है, अतः बहुविवाह के दुष्प्रेरक अपराध के लिए पुरोहित का दोषी ठहराया जाएगा क्योंकि उसने कार द्वारा शास्त्र से सहायता पहुँचाया है। अवैध लोभ द्वारा जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कोई विधिक कर्तव्य होता है, क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कोई लोभ या विधिक कर्तव्य होता है परंतु उस कर्तव्य को करने के बजाय अवैध लोभ करता है तो धारा 107 के 3 के अधीन लोभ द्वारा दुष्प्रेरक का दोषी होगा। एक केस है कालीचरण गांगोली 1873 के बाद में। एक पुलिस हेड कांस्टेबल जो ये जानता था कि अभियुक्त को संस्कृति के लिए प्रताड़ित किया जाएगा वहाँ से उठकर चल गया, वहाँ अवैध लोभ से द्वारा दुष्प्रेरक का अपराधी माना गया। तीसरा कहता कार को आसान बनाना धारा 107 का स्पष्टीकरण जो कोई व्यक्ति किसी को कार किए जाने से पहले या किए जाने के समय कोई कार उस कार से आसान बनाने के लिए करता है या किसी कार को आसान बनाता है तो उस कार में सहायता करता ऐसा कहा जाता है। श्री राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1775 के बाद में ए ने अपने दोस्त को बी को इस आशय से घर पर आमंत्रित किया कि सी बी की हत्या कर सके। जब बी ए ने के घर आया तो सी बी हत्या कर दी। यहाँ पर अब निर्धारित हुआ कि निमंत्रण अपराध करने के लिए सुविधा प्रदान करने आशय से दिया गया था। ये 107 था। अब 108 देखते हैं दुष्प्रेरक एबेटर। अबेटर कैसा होता है, वो व्यक्ति दुष्प्रेरक होता है जो अपराध का दुष्प्रेरक करता है अथवा किसी ऐसे कार्य के किए जाने को दुष्प्रेरक करता है जो यदि सक्रिय योगदान प्रदान करता है। कोई अपराध पूरा होने के बाद भी किया गया कार्य जो अपराधी की सहायता कर सकता है दुष्प्रेरक कोटि में नहीं आता है। दुष्प्रेरक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित जो है कार्यों में अवैध लोप धारा स्पष्ट करता है कि यदि किसी भले ही है कर्तव्य को अवैध लोप करने के दोषी है और कोई प्राइवेट व्यक्ति को होने के कारण अपराध का स्वयं दोषी हो सकता है। अब देखते हैं दुष्प्रेरक कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 में यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी आपराधिक कार्य का दुष्प्रयोग किया गया है तो वो कार्य चाहे किया जाना या ना किया जाए यो अपराध घटित होने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित होना होता या ना होता है तो दुष्प्रयोग माना जाता है। दृष्टांत गा की हत्या करने के लिए खा को का उसकाता है और खा उसे करने से इनकार कर देता है तो का हत्या करने के लिए खा दुष्प्रयोग का दोषी है। दृष्टांत 2 गौ है कि हत्या करने के लिए खा उसकाता है यानी खा जो गौ जो है हत्या करने के लिए खा को उसकाता है और खा ऐसे उसका उकसाहट के अनुसरण में गौ की विध करता है गौ का अच्छा हो जाता है खा हत्या करने के लिए खा उसकाने का दोषी है। ठीक। अब तीसरा पॉइंट दुष्प्रेरित विधिक व्यक्ति का के रूप में समर्थन होना आवश्यक नहीं है। धारा 108 का स्पष्टीकरण 3 में स्पष्ट करता है कि यह आवश्यक नहीं दुष्प्रेरित कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित व्यक्ति को कोई कार्य दोषित आशय से हो। दुष्प्रेरण का अपराध उस व्यक्ति को आशय पर निर्भर करता है जिनसे मनुष्य दुष्प्रेरण किया जाता है जिनसे दुष्प्रेरण किया है न कि उस व्यक्ति के आशय और ज्ञान पर है जिसका कार्य करने के लिए नियोजित है। उदाहरण के लिए खा को एक
निवास गृह में आग लगने के लिए का उसकाता है, का अपने चित्त विकृत के फलस्वरूप उस कार्य की प्रकृति या कि वो जो कुछ कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होने के कारण का कि उसकाने के परिणाम स्वरूप उस गृह में आग लगा देता है। खा ने कोई अपराध नहीं किया है किंतु एक निवास गृह में आग लगने के लिए अपराध उस पर का दोषी उस अपराध के लिए दंडित दंडनीय है। चौथी बात कहता है अपराध के दुष्प्रहार का दुष्प्रहार भी अपराध है। धारा 108 में स्पष्ट करता है कि किसी अपराध का तो अपराध तभी दुष्प्रहार होगा। धारा 108 का स्पष्टीकरण 4 कहता है कि दुष्प्रहार का दुष्प्रहार की बात करता है, किसी भी अपराध का दुष्प्रहार तभी अपराधी होगा जो दुष्प्रहार का दुष्प्रहार भी अपराधी होता है। उदाहरण के रूप में गा को या की हत्या करने के लिए उसकाने के लिए खा को का उसकाता है, खा तदनुकूल या की हत्या करने के लिए गा को उसकाता है और खा उसकाने प्रोत्साहन गा को उस अपराध को करता है। खा ने अपने अपराध के लिए हत्या दंडनीय है, का ने इस अपराध करने के लिए खा को उसका है, इसलिए का भी उसी दंड से दंडनीय है। पांचवी बात षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रहार के दुष्प्रहार षड्यंत्र में शामिल होना पर्याप्त है। धारा 108 के स्पष्टीकरण 5 में यह स्पष्ट करता है कि षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रहार का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं दुष्प्रहार उसी अपराध को करने के लिए व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाने के लिए पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वो अपराध किया जाता है। उदाहरण के लिए ये का विषय देने के लिए का को एक योजना से खा से मिलकर बनाता है और यह सहमति हो जाती है कि का विष देगा। खा तब ये उड़ित करते हुए गा को योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा किंतु का नाम नहीं लेता है। गाय विष उपहत करने के लिए सहमत हो जाता और उसे उपहत करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए खा को प्रदत्त करता है। खा का विषय देता पड़ाव से या की मृत हो जाती है। यदि यहाँ का गा ने मिलने का षड्यंत्र नहीं रचा था तो भी गा षड्यंत्र में सम्मिलित रहा जिसके अनुसरण में याग की हत्या की गई है, इसलिए गा ने षड्यंत्र के लिए परिभाषित किया अपराध की हत्या करने के लिए दंड से दंडनीय है। नोट इसलिए किसी दुष्प्रहार की दोषसिद्धि किसी भी ढंग से मुख्य अपराधी को दोषसिद्ध पर निर्भर नहीं करती है। नोट 2 मुख्य अपराधी दुष्प्रेरक नहीं हो सकता है। एक किसी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी अपराध के लिए जाने में मुख्य अपराधी के रूप में सिद्ध दोष ठहराया नहीं जा सकता है उस अपराध दुष्प्रेरक करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। धारा 108 ए भारत के बाहर अपराधों के भारत के बाहर में दुष्प्रेरक 108 ए भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1898 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति भारत के बाहर है और उससे पर किसी ऐसे कार्य किए जाने का भारत दुष्प्रहार करता है तो वह अपराध होगा या भारत में किया जाए तो इस संहिता के अंतर्गत अपराध दुष्प्रहार होता है। 109 दुष्प्रहार दंड या दुष्प्रेरित कार्य के उसके परिणाम में किया जाए जहां उसके लिए दंड की कोई अतिरिक्त अभिव्यक्ति उत्पन्न नहीं किया गया हो। यह धारा मात्र यह उत्पन्न करती है कि यदि किसी दुष्प्रहार के लिए इस संहिता द्वारा कोई अलग उत्पन्न नहीं किया गया है तो उसी दंड से दंडनीय होगा जो मौलिक अपराध के लिए उपन्दित है। यह धारा दुष्प्रहार के लिए उसी दंड से उपन्न करती है जो अपराध के लिए उपन्दित है। इस धारा को लागू होने के लिए निम्न दो शर्त होना चाहिए। दुष्प्रहार के अनुसार दुष्प्रेरित कार्य किया गया हो, ऐसा दुष्प्रहार के लिए संहिता में दंड के लिए कोई अभिव्यक्ति उपन्न नहीं किया गया हो। धारा में जुड़े हुए स्पष्टीकरण में स्पष्ट करता है कि दुष्प्रहार उसकाने की सहायता द्वारा या फिर षड्यंत्र द्वारा किया जा सकता है। धारा 110 कहता है दुष्प्रहार दंड या दुष्प्रेरित व्यक्ति के प्रेरित आशय से बिन कोई ऐसे कार्य किया जाए। इस धारा के अनुसार दुष्प्रेरित व्यक्ति को दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान के भिन्न आशय या ज्ञान के अपराध कार्य करता है तो फिर भी दुष्प्रेरक दुष्प्रेरित अपराध के लिए उपन्दित दंड से दंडनीय होगा। 111 कहता है कि दुष्प्रेरक के दायित्व है जब एक कार्य का दुष्प्रेरक किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, जबकि किसी कार्य का दुष्प्रेरक किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है तब दुष्प्रेरक उस के किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से उसी विस्तारक दायित्व के अधीन है मानो कि उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रहार किया गया है। परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रहार का अधिसंभव परिणाम था और उस उत्साहट के असर के अधीन या उस सहायता के से या उस षड्यंत्र के अनुसार किया गया था जिससे वह दुष्प्रहार घटित होता है। यह धारा इस सूत्र पर आधारित है कि हर व्यक्ति के बारे में धारणा की जाती है कि वो अपने खास स्वाभाविक प्रोग्रामों को आशय रखता हो। इस
परिणाम होता है, जैसे कि धारा 111 के परंतु में उपन्दर है, क्या एक शिशु को या को भोजन में विषय में डालने के लिए उकसाता है तथा विष प्रदत्त कर दे, वो शिशु का उकसाहट के फलस्वरूप भूल से माँ के भोजन में भी डाल देता है। यहाँ शिशु का को उकसाने के असर में अध्ययन उकसा कर रहा था कि किया गया कार्य मानो उस परिस्थितियों में दुष्प्रेरक संभव का परिणाम है। यहाँ पर उसी प्रकार दायी माना गया जिसने माँ के भोजन में विष डालने के लिए उसे शिशु को उकसाया हो। का खा को या के घर जलाने के लिए उकसाता है तथा खा घर में आग लगा देता है, साथ ही चोरी भी करता है। यहाँ का घर जलाने का दुष्प्रयोग दोषी होगा, चोरी करने के लिए अलग कार नहीं होगा। दृष्टांत का खा और गा को यह घिरे भेदन होते उकसाता है, यह आयु देखते हुए कि गा खा जो है गा के घिरे भेदन करता है, प्रतिरोध किए जाने पर या को मार डालता है, यहाँ पर हत्या या दुष्प्रयोग का संभव परिणाम है। 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है? यदि वो कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरित अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किसी किया जाता है या सुभिन्न अपराध गठित करता है तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर के लिए दंडनीय है। ये धारा पूर्ववर्ती धाराओं में प्रतिपादित सिद्धांत का विस्तार करती है। इस धारा के अंतर्गत दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए भी उत्तरदायी होगा जिसका उसने दुष्प्रेरित किया गया है, उस अपराध के लिए भी जो अपराध कारित करने किया गया है। 113 धारा 113 दुष्प्रयोग द्वारा असहित कार्य करके भिन्न कारित करने का दायित्व भी प्रभाव है। इस धारा के अनुसार यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरित कृत्य करते हुए ऐसा कृत्य कर दिया गया है जो दुष्प्रेरक द्वारा असहित प्रभाव से भिन्न प्रभाव उत्पन्न करता है, तब ऐसे मामले में दुष्प्रेरक उससे भिन्न प्रभाव के लिए दायी होगा। यदि उसे की संभवता ज्ञान दुष्प्रेरक कहा गया है या को घोर उपहत करने के लिए खा को का उसकाहट उसकाता है, खा उस उसकाहट के परिणाम स्वरूप या को घोर उपहत कारित करता है, परंतु या की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि का को यह जानता है कि दुष्प्रेरित घोर उपहत है, मृतकृत होना संभव है या का हत्या के लिए उपन्दित दंड से दंडनीय है। धारा 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर भी दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है उस समय उपस्थित हो जब वो कार्य या अपराध की जाए जिसके लिए वो दुष्प्रेरक परिणाम स्वरूप दंडनीय होता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। वो ये धारा संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। यह उस स्थिति में लागू होता है जब दुष्प्रेरक आपराधिक कृत्य के समय घटनास्थल पर उपस्थित रहता है। ऐसे स्थिति में दुष्प्रेरक उसी प्रकार दायित्व दंडित किया जाएगा मानो उसने स्वयं ही अपराध किया गया है। मात्र दुष्प्रेरक की अनुपस्थिति अनुवाद नहीं है, वह दुष्प्रेरित अपराध कारित भी होना चाहिए। इस धारा में परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति किसी अपराध के दुष्प्रेरक के स्थान पर तत्पश्चात अपराध कारित करते हुए समय उस स्थान पर मौजूद रहते हैं। अतः सर्वप्रथम दुष्प्रेरक गठित करने वाले परिस्थितियों को सिद्ध होना चाहिए ताकि वो अनुपस्थिति तथा वो दुष्प्रेरक के रूप में दंडित होता हो, तब भी यह दर्शाया जाना चाहिए कि वो अपराध होते समय वहाँ उपस्थित रहा। यह धारा वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ दुष्प्रेरक का अपराध होते समय किया जाता है। उपस्थिति का तात्पर्य है विधिक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति उपस्थिति है यह सहायता देने के साथ से और भी जगह विद्यमान ताकि वो अवसर आए तो वो सहायता से पहुंचा सके। धारा 114 और धारा 34 में अंतर। धारा 114 के अंतर्गत आने वाले मामले धारा 107 के अंतर्गत आना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपराध होते हुए समय दुष्प्रेरक घटना स्थल पर उपस्थित है, जबकि 34 के अंतर्गत आने के मामले दंड संहिता धारा सभी वर्णित अपराध लागू होंगे। धारा 114 के अंतर्गत आने वाले मामले समान आशय का होना आवश्यक नहीं है, जबकि धारा 34 का समान आशय का होना आवश्यक है, दुष्प्रेरक का होना आवश्यक नहीं है। धारा 114 में उन मामले संबंधित थे जिनमें एक व्यक्ति अपराध होने से पूर्व उसकाया अथवा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय बना लिया गया है। मात्र घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति द्वारा भले ही कार्य संपादन सक्रिय रूप से भाग न लिया गया हो, जबकि धारा 34 के अंतर्गत अपराध सभी कथित अभियुक्तों ने किसी न किसी प्रारूप में सम्मिलित होना आवश्यक है। धारा 115 मृत्यु या जीवन कारोबार से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरक। यदि अपराध नहीं किया जाता है तो यदि ऐसा अपराध जो मृत्यु तथा आजीवन कारोबार से दंडनीय हो तो दुष्प्रेरक के प्रमाण स्वरूप न किया गया तो दोनों में से किसी विवाद कारोबार जिसके अवध 7 वर्ष तक हो सके दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि अपमान करने वाला किसी परिणाम स्वरूप यदि किसी कार्य को किया जाता है जिसके दुष्प्रेरक परिणाम स्वरूप
दायित्व के अधीन, कहता है यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं बराबर आप लोग जो है क्या नाम है समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, एक्चुअली मैं खुद जो है मेंस की तैयारी करता हूँ, शायद आप लोग समझने की कोशिश करिएगा एक बार दो बार, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, ना कि मुझे क्या नाम इस यूट्यूब के माध्यम से कोई मुझे लोकप्रियता ना ही हासिल करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई आप लोगों की पढ़ाई के साथ साथ मैं इससे इंजॉय करता हूँ। ओके, यदि अपमान करने वाले कार्य तड़ाव स्वरूप किया जाता है, यदि ऐसे कार्य कर दिए जाते हैं जिसके लिए दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन है, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी विवाद कारोबार जिसकी अवधि 14 वर्ष तक हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नोट, ऐसे दुष्प्रेरक से दंड से के लिए अभियुक्त को उपन इस संहिता में नहीं किया गया है। धारा 116 में कारावास से दंड से अपराध का दुष्प्रेरक किया गया है। यदि अपराध न किया जाए, यह धारा ऐसे अपराध के दुष्प्रेरक के लिए दंड का प्रावधान करती है जो कारावास से दंडनीय है और दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप अपराध नहीं किया गया, तो इसके लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड से कोई भी व्यक्ति प्रावधान नहीं करता है। उस अपराध के लिए विहित दीर्घतम अवधि की चौथाई या जुर्माने दोनों हो, यदि उस अपराध के लिए विहित दीर्घतम अवधि के आधे जुर्माने या दोनों में से जब तक दुष्प्रेरक दुष्प्रेरित व्यक्ति को कोई लोक सेवक न हो। धारा 117 लोक सेवक साधारण द्वारा 10 या अधिक व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने के दुष्प्रेरक, जो कोई लोक सेवक द्वारा 10 या अधिक व्यक्ति किसी भी संख्या वर्ग द्वारा किसी अपराध को किए जाने का दुष्प्रेरक करेगा, वो दोनों में से किसी भी विवाद कारोबार जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सके और जुर्माने से दोनों दंडनीय होगा। अर्थात ये धारा उन मामलों में लागू होता है जहां कोई आपराधिक कृत्य करने के लिए साधारण जनसाधारण या 10 अधिक व्यक्तियों को दुष्प्रेरित किया गया हो। धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए परिकल्पना को छुपाना, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना शुक्र बनाने के लिए आशय से इस संभाव तत्व द्वारा शुक्र बनाएगा, यह जानते हुए कि ऐसी परिकल्पना के बारे में निर्देशन करेगा जिसका मिथ्या होना वो जानता है, यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो दोनों में से किसी विवाद कारोबार जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, अथवा अपराध न किया जाए तो दोनों में से किसी विवाद कारोबार जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। क्या यह जानते हुए कि खाक के स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को मिथ्या इतला देता है कि डकैती खाक के स्थान पर विपरीत दिशा में पड़ने वाली है, इस आशय के तत्वाद द्वारा अपराध किया जाना शुक्र बनाने मजिस्ट्रेट को बढ़ावा देता है, डकैती की परिकल्पना के अनुसार में खाक स्थान पर पड़ती का इस धारा के अधीन दंडनीय है। 119 किसी भी ऐसे अपराध में किए जाने की परिकल्पना लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण उसका कर्तव्य, यदि कोई लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्य के प्रतिकूल किसी अपराधी कृत करने की योजना छिपाता है या इसमें स्वेच्छापूर्वक मदद करता है या निम्न उसको दंडनीय हैगा, यदि अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो 10 वर्ष, यदि अपराध कारोबार से तो दंडनीय है, या अपराध घटित हो जाए तो उस अपराध के उपंडित दंड से का आधा भाग जुर्माने दोनों में से, यदि अपराध घटित ना हो तो उस अपराध के उपंडित दंड से 1/4 भाग जो जुर्माने से दोनों दंडनीय होगा। धारा 120 कारोबार से दंड से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाया जाना, यदि उत्प्रेरित अपराधी कृत केवल कारोबार से दंडनीय हो तो धारा 120 के अनुसार प्रत्येक निम्न प्रकार से दंडित किया जाता है, यदि कृत्य कर दिया जाए तो उस अपराध से उपंडित दीर्घतम अवधि का 1/4 भाग कहे, यदि कृत्य न किया जाए तो इसमें अपराध का उपंडित दंड 1/8 है भाग जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों मैं आज जो है अभी तक तो जो है चैप्टर जो है आपको 5 दुष्प्रेरक के बारे में दुष्प्रेरक के विषय में बताया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है, मेंस के लिए क्वेश्चन बनता है और प्री के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसके लिए मैं आपको रोड डेली एक लेक्चर देता हूँ, मैंने कल एक लेक्चर बनाया था जिसपे क्या नाम है चोरी पे बनाया था, वो लेक्चर का जो ऑडियो था वो ऑडियो लोड नहीं हो पाया था, हटाओ फिर अब कल कोई दूसरा लेक्चर बनाएंगे। तो यही कहा जाता है जो करो वो तत्काल करो, जो कोई भी कार्य करना है उसे तत्काल कर लो, कहीं उस काम पे वादा लग गया ना तो काम पूरा नहीं होता है। अगर कोई काम करता हो आलस में कहता यार हटाओ कल कर लेंगे, कल नहीं उसे आज करो, आज करोगे कल के लिए आपके लिए उसे फ्री हो जाओगे। इसी तरीके से दोस्तों पढ़ाई है, पढ़ाई निरंतरता करते रहो, आज नहीं सफल होगे कल सफल होगे, सफलता आपका मत पहले काबिलता आपके अंदर आ जाए, सफल अपने आप हो जाओगे। दोस्तों जो क्या नाम है मेंस के लिए लगे हुए हैं वो खूब, मैं उनसे प्रार्थना, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सब लोग खूब मेहनत करें
और जो मैं आप लोगों से ऐसी रिक्वेस्ट करूंगा, छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे बेल आइकन घंटी है उसे प्रेस करने पे मैं कोई वीडियो जब ये सारी जाम ख़त्म हो जाएंगे ना, सारे जाम जब ख़त्म हो जाएंगे मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाऊँगा, जिससे आप लोग सबका देखते हैं ना लेक्चर कितना लच्छेदार।